हाई गाइज व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू एनएसबी पिक्चर्स। तो गाइज रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी इंस्टाग्राम की रील्स में एंड ये वीडियो बहुत ही स्पेशल थी मेरे लिए क्योंकि मैंने पहली बार कुछ स्ट्रीट फोटोज क्लिक की थी एंड आप लोगों को भी ये रील बहुत ज्यादा पसंद आई। बहुत सारे कॉमेंट्स आए इस पर, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स, मतलब जिनको पढ़ के बिल्कुल दिल खुश हो गया। लेकिन बहुत सारे कॉमेंट्स ये भी थे कि यार इस टाइप की फोटोज जो स्ट्रीट फोटोज होती है उनको हम कैसे एडिट कर सकते हैं एंड कैसे उसमें एक वो ड्रामा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीट फोटोज में आपने देखा होगा जब भी लोग स्ट्रीट फोटोज को एडिट करते हैं ना तो उसमें एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट रहता है। तो कैसे आप भी स्ट्रीट फोटोज को एडिट कर सकते हैं इस वीडियो में आप यही जानने वाले हैं। तो आज हम पोर्ट्रेट्स के अलावा स्ट्रीट फोटोग्राफी की बात करने वाले हैं एंड मैं कोई प्रोफेशनल स्ट्रीट फोटोग्राफर नहीं हूं, बट हाँ मैंने ट्राई किया और काफी अच्छी मुझे अपनी फोटोज लगी। तो आप भी इस टाइप की फोटोज कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे स्ट्रीट फोटोज को और ज्यादा एनहांस करके उसमें बहुत अच्छा ड्रामा ऐड कर सकते हैं, ये जानेंगे आज की इस वाली वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब कर दो, ऐसी बहुत ही कमाल की वीडियोज में डालते रहता हूं। और चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए सबसे पहली बात कि ये जो फोटोज़ हमने क्लिक की थी तो ये मैंने क्लिक की अपने नए कैमरा से, कैनन यूएस R5 से, और जो न्यू लेंस मैंने लिया है सिग्मा 135mm। तो आई थिंक ये पहला शूट है जो हमने इस लेंस से किया था एंड इस लेंस को जब मैं टेस्ट आउट कर रहा था हम शूट पे गए थे एंड वहाँ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे दिख गए तो मैंने उनके साथ कुछ फोटोज़ क्लिक करी और उनकी भी कुछ काफ़ी अच्छी फोटोज़ क्लिक की। तो ये जो रिजल्ट्स इस लेंस से मेरे को मिले बहुत ही कमाल के मिले, लेकिन फोटोज़ बिल्कुल फ्लैट से जैसे होते हैं, नॉर्मल जैसे पोर्ट्रेट्स रहते हैं वैसे ही लग रहे थे, उसमें वो स्ट्रीट फोटो वाली वाइब नहीं आ रही थी। फिर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी कि स्ट्रीट फोटोज़ को कैसे एडिट कर सकते हैं और बहुत सारे स्ट्रीट फोटोज़ देखिए पहले मैंने पिंटरेस्ट पे और 500px पे, उनको देखने के बाद मैंने अपनी फोटो में कुछ सेम कलर को रेप्लिकेट करने की कोशिश की और स्ट्रीट फोटोज हमारी फाइनली काफी अच्छी बन गई थी। और हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, स्ट्रीट फोटोज देखने में नॉर्मल सी लगती होगी आपको, मतलब बहुत सारे लोग क्लिक कर रहे हैं और आपको लगता है बहुत आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल है, प्लस बहुत ज्यादा मजा आता है जब आप किसी ऐसी रैंडम किसी बच्चे की या किसी भी स्ट्रीट में जो लोग जा रहे हैं उनकी फोटोज क्लिक करो ना तो आपको बहुत अच्छी खुशी मिलती है यार इस बंदे की इतनी अच्छी फोटो मैंने क्लिक कर दी, एंड अगर आप उनको दिखाओ तो फिर तो और ज्यादा खुशी मिलती है। वेल हर बार मौका नहीं मिलता उनको दिखाने का, बट जब से मैंने इन फोटोज को क्लिक किया इसके बाद मैं जब भी शूट आता मैं बहुत सारी स्ट्रीट फोटोज क्लिक करता रहता हूँ और इवन आजकल तो मैं कुछ वीडियोस भी लेने लग गया हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक नया अकाउंट बनाया जाए अपना जिसपे कि मैं वो फोटोज डालूँ जो मैं क्लिक करता हूँ और जो मतलब मैं स्ट्रीट की या किसी भी चीज़ की जो मैं खुद क्लिक करता हूँ, मेरी फोटो ना हो बट जो मैंने क्लिक की हो। अब वैसे तो मैं अपने मेन अकाउंट पर भी डाल सकता हूँ जो मेरा इंस्टाग्राम पर NSB पिक्चर्स वाला अकाउंट है, बट उसमें मोस्टली मेरी फोटोज रहती है एंड थोड़ा कॉन्टेंट मिक्स होएगा। तो मैं एक नया अकाउंट बनाने की सोच रहा हूँ, बट मेरे को कोई नाम सजेस्ट करो आप लोग जो कि बेस्ट हो इस टाइप के कॉन्टेंट के लिए, जहाँ पे अपना शूट किया हुआ काम मैं डाल सकूँ, जिसको मैं दिखा सकूँ आप लोगों की मैं भी ऐसी फोटोज क्लिक करता हूँ या स्ट्रीट फोटोज, नेचर फोटोज जो भी मैं क्लिक करता हूँ वो मैं यहाँ पे डाल सकूँ। सो यस, कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करो इंस्टाग्राम के न्यू अकाउंट के लिए। और यार बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और दिखाता हूँ आपको कैसे आप स्ट्रीट फोटोज को एडिट कर सकते हो। अच्छा तो भाई ये फोटो हमारी लाइटरूम मोबाइल के अंदर आ चुकी है जो कि हमें एडिट करनी है एंड ये फोटो मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट फोटो है एंड मतलब इस फोटो में यार क्या इमोशंस है, पता है मेरे को बहुत इमोशनल फोटो लगी जब मैंने इस फोटो क्लिक किया ना, मतलब मेरे को खुद रोना आ गया वहाँ पे क्योंकि इस बच्चे की आंखों में ना आंसू है बिल्कुल। अब ये सीन को ऐसा था कि हम इस बच्चे की फोटो क्लिक करने लगे और ये बच्चा ना छोटा सा बच्चा जो है ये डर गया, उसको लगा कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, कैमरा इसके आगे आ गया इतना बड़ा सा, और ये रोने लग गया। तो फिर इसका भाई इसको उठा के लेके जा रहा था और ये बहुत ही इमोशनल सा मोमेंट था। अब चलिए इसको एडिट करते हैं एंड इस टाइप की फोटो अगर आप भी कभी क्लिक करो किसी बच्चे की तो यार उनकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर कर देना और फोटो के बदले कुछ तो उनको दे देना। खैर चलिए एडिटिंग की बात करते हैं। स्ट्रीट फोटो अगर आप कभी क्लिक करो तो उनको कैसे एडिट करना होता है, सबसे पहला स्टेप नॉर्मली जैसे आपकी फोटोज एडिट होती है आपको ये वैसे ही एडिट करनी है, लेकिन इसमें आपको जो है डिटेल्स ज़्यादा रखनी होती है। नॉर्मली अगर आप जैसे अपनी फोटो एडिट तो आप चाहते हो कि स्किन हमारी स्मूथ रहे और मतलब हर चीज बिल्कुल स्मूथ सी दिखे फोटो में, सॉफ्ट लगे सब कुछ, लेकिन यहां पे हमें फोटो बिल्कुल हार्ड टोन में एडिट करनी होती है। तो इसमें क्या करना है, लाइट्स में चलते हैं। सबसे पहले इसका शैडो हमें पूरा बढ़ा देना है, मतलब हम चाहते हैं कि इस फोटो में से कोई भी डिटेल हमारी गायब ना हो, कोई भी चीज शैडो या हाईलाइट कोई भी खराब ना हो, तो हमें मैक्सिमम इसकी जो डायनेमिक रेंजेस है वो लेके आनी है। तो पहले मैं पूरी शैडो बढ़ाता हूं, फिर मैं हाईलाइट थोड़ा कम कर देता हूं और ब्लैक्स थोड़े से मैं कम करता हूं, व्हाइट्स को मैं थोड़ा सा अप कर देता हूं। तो आई थिंक ये हमारा आइडियल यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, जैसे कि आप देखते हैं हेयर के नीचे जो है और डिटेल्स हमारी गायब हो रही थी बट अभी रिकवर हो रही है। इसके बाद आगे चलते हैं कलर्स में, और इस टाइप की फोटोज़ में आपको ना एक इमोशन दिखाना होता है। जैसे मेरे केस में मैं इस फोटो को थोड़ा सा डार्क टोन में एडिट करना चाह रहा हूँ ताकि इस फोटो में थोड़ा सा इमोशनल सा लगे और थोड़ा सा मतलब ऐसे सैड वाली फील आए इसे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फोटो में जो कलर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपिंग से लग रहे हैं, ये हमें कम करने हैं। तो वाइब्रेंस हम इसका जो है कम कर लेंगे, ओके। तो फोटो देखिए थोड़ी सी डार्क सी बन जाएगी, इसमें जो बहुत ज़्यादा पॉपिंग कलर्स आपके रहते हैं ना, आपको पता होगा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा येलो या ऑरेंज दिख रही है तो मतलब बहुत ही हैप्पीनेस का वो साइन होता है, लेकिन यहाँ पे हम उसका उल्टा दिखाना चाह रहे हैं, तो हम इसका कलर थोड़ा कम कर देंगे। इसके बाद आपका जो टिंट है ये थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को रेड लग रही है स्किन, तो उसको हम थोड़ा सा येलो साइड ले चलेंगे, ओके। अब आते हैं ऊपर मिक्सर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले ग्रीन कलर है इसको मैं ह्यू चेंज करूँगा, थोड़ा सा येलो साइड ले चलेंगे, और इसकी मैं थोड़ा लुमिनियस भी कम कर देता हूँ, थोड़ा डार्क लगे जिससे स्किन का कलर जो है इसका हम थोड़ा सा ह्यू बदलते हैं, और हाँ थोड़ी सी ग्रीन साइड ले चलते हैं, और बाकी तो इसमें कोई खास कलर है नहीं, डन करते हैं इसको एंड आगे चलते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, अगर आप स्ट्रीट फोटोज़ को एडिट कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, जैसे इस बच्चे के फेस पे ना बहुत
स्कार्स हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं दिख पा रहे हैं, मतलब एक्चुअली जो इमोशंस हैं वो आपको नहीं दिख पा रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है नॉर्मल जैसे बच्चे होते हैं वैसा ही है, लेकिन इस बेचारे बच्चे के मुंह पे बहुत सारे स्क्रैचेस है, पिंपल्स है और मिट्टी लगी हुई है, एंड इस वाले बच्चे के मुंह पे आंसू हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली नहीं दिखेगी अगर आप नॉर्मल सिर्फ फोटो क्लिक करोगे। तो इसके लिए आपको इसकी डिटेल्स को वापस लेके आना होगा, एंड इसके लिए हमें इसका क्या करना है, टेक्स्चर बढ़ाना है। तो देखिए आपको दिखाता हूँ इसका फ़र्क, ये देखिए टेक्स्चर बढ़ाते ही स्किन में जो भी डिटेल्स थी, इस छोटे वाले बच्चे का फेस आप देखिए कितना नॉर्मल था पहले, लेकिन अब इसमें सारी डिटेल्स वापस आ रही है। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसकी क्लैरिटी भी बढ़ा देंगे, तो हल्की सी बढ़ाएंगे। एंड सी, अब आपको एक एक चीज़ हाथों पे आप देखिए कितनी सारी डिटेल दिख रही है, एक्चुअल इस मोमेंट पे जो इनकी हालत थी वो इस फोटो में अब दिख रही है, एंड लोग इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट, मतलब कैसे आप किसी के इमोशंस को आप कन्वे करते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे इनको बहुत अच्छा बना के नहीं दिखाना चाहता कि इनकी स्किन को रिटच कर दो, इनको गोरा बना दो, मैं यहाँ पे रियलिटी दिखाना चाह रहा था कि मतलब ऐसी इनकी कंडीशन है इस टाइम पे। तो अब इस इफेक्ट से ये सारी चीज़ें दिख रही है इनके, मतलब इवन पैरों पर जो झुर रही हैं ये भी दिख रही है। वेल आप चाहो तो इसका थोड़ा सा डीहेज भी बढ़ा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा कम लग रहा हो डिटेल्स। तो देखिए थोड़ा सा इसमें विनियट भी ऐड कर ही लेते हैं, एंड फाइनली इसमें शार्पनेस ऐड करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि फ़ोटो जो है और शार्प हमें चाहिए, तो शार्पनेस बढ़ाएंगे। अब देखिए आपको दिखाता हूँ बिफोर आफ्टर, तो ये देखिए आपको नॉर्मली जो ये फ़ोटो थी पहले आपको जस्ट एक नॉर्मल फ़ोटो लग रही होगी जैसे नॉर्मली फ़ोटो होती है, लेकिन इसको ऐसे एडिट करने के बाद अब ये पूरी स्ट्रीट वाली वाइब इसमें आ रही है और एक एक चीज़ की डिटेल आपको दिख रही है, जैसे ग्राउंड कितना डार्क है, कपड़ों में क्या डिटेल्स हैं, इसके कपड़े कहाँ से फटे हुए हैं, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ हम और कर लेते हैं, कलर्स में चलते हैं यहाँ पे, एंड इसके शेडोज़ में जो है हम कलर डालते हैं कोई हल्की सी ग्रीन टोन में रखूँगा ये वाला कलर। तो आपको पता होगा ये मतलब थोड़े से ऐसे कलर होते हैं जैसे डार्क ग्रीन कलर आप किसी फोटो में डाल दो तो वो ऐसा लगता है कि बहुत ही मड सा है, मतलब जैसे मडी सा सीन है या स्ट्रीट वाली वाइब उससे आती है, ठीक है। एंड हाईलाइट में हम चलते हैं, इसमें येलो स्किन डालते हैं, येलो एंड पेल स्किन आपको पता होगा, तो बहुत किसी करेक्टर को आपको मतलब बहुत ही वीक दिखाना होता है तो आप वहाँ पे येलो कलर का यूज़ करते हैं स्किन के लिए, उसके स्किन मतलब ऐसे पेल लगे जैसे एक बीमार सा आदमी रहता है। अब इसके लिए मेरा इसके पीछे ऐसा कोई मोटो नहीं है कि मैं इनको ऐसा दिखाऊं, मैं जस्ट आपको ये रूल्स बता रहा हूं स्ट्रीट फोटोग्राफी के ऐसे होते हैं, ठीक है। हालांकि ये बच्चे बहुत प्यारे थे और इनके साथ हमने बहुत सारी फोटोज़ भी क्लिक की, वहाँ पे आपने देखी होगी सारी फोटोज़ मैंने इस वीडियो में पोस्ट की थी, एंड काफ़ी अप्रिसिएशन मिला इन सभी फोटोज़ के लिए। एंड या एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि इन बच्चों की वजह से आज मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में भी ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, और बहुत सारी फोटोज़ मैंने और भी क्लिक किए, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस फोटो क्लिक किया, ऐसी फोटोज़ क्लिक की थी, जो इमोशन जो मैंने कैप्चर किया इनको कैप्चर करने को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो अगर आप भी कभी स्ट्रीट फोटोज़ क्लिक करो एंड उसमें आप ऐसी इमोशंस दिखाना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से उसको एडिट कर सकते हो। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद स्ट्रीट फोटोज़ को एडिट करने का आइडिया थोड़ा बहुत लग गया होगा। फिलहाल ये मेरी खुद की स्टार्टिंग है स्ट्रीट फोटोग्राफी में, एंड आपको मेरी स्ट्रीट फोटोग्राफी ये वाली फोटोज़ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना, और अगर आप लोग चाहते हैं मैं ऐसी और फोटोज़ क्लिक करूँ और इंस्टाग्राम पर डालूँ आप लोगों को दिखाऊँ तो वो भी कमेंट करके बताना। और हाँ, मेरा एक और प्लान है कि मैं एक दिन ऐसा व्लॉग बनाऊँ स्ट्रीट फोटोज़ का कि ये फोटोज़ मैं कैसे क्लिक करता हूँ ये आपको दिखाऊँ, तो ये भी कमेंट करके बताना अगर आप चाहते हो ऐसी कोई वीडियो मैं बनाऊँ, एंड या बहुत सारे कमेंट करने का हो गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जाने से पहले आप इस वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल पे नए हो पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसी फोटोग्राफी एंड एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस हम डालते ही रहते हैं। और चलिए मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।